मध्य प्रदेश के खरगोन में मंगलवार सुबह एक बस 50 फीट ऊंचे पुल से सीधे नदी में जा गिरी। इस हादसे में 22 यात्रियों की मौत हो गई है। इसमें से 3 बच्चे हैं, 9 महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं। बस डोंगरगांव और दसंगा के बीच बोराण नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी है। नदी सूखी हुई थी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खरगोन में 50 फीट ऊंचे पुल से बस सूखी नदी में जा गिरी। हादसे में 22 यात्रियों की मौत हो गई है। 30 से अधिक घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। 7 घायलों को इंदौर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। माँ शारदा ट्रेवल्स की बस में 50 से 60 लोग सवार थे। बस में सवार लोगों ने बताया कि बस तेज रफ्तार से थी और ड्राइवर को झपकी लगने के कारण बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरी। बस के कांच फोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया है। लोगों ने घायलों को अपनी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि 22 लोगों की मौत हो चुकी है। एसडीएम ने बताया कि हादसा जिला मुख्यालय से करीब 34 किलोमीटर दूर ऊन थाना क्षेत्र के डूंगर गांव के समीप हुआ है। फिलहाल बस चालक का पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खरगोन हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शोक जताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कैबिनेट मीटिंग में इस हादसे की जानकारी दी। उन्होंने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन बस दुर्घटना में मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 50-50 हजार रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। 22 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 30 से अधिक लोग घायल हैं और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाकी घटना के डिटेल जांच का हम लोग जांच करा रहे हैं कि घटना का कारण क्या रहे हैं। एक बस भीषण बस दुर्घटना में लगभग 22 हमारे भाई बहन नहीं रहे और अभी मेरी प्रभारी मंत्री कमल जी से बात हुई है, अब खरगोन जाएं। हमने जो भाई बहन नहीं रहे उनके परिवार के लिए 4 लाख रुपए की सहायता निधि की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल को 50,000 और सामान्य घायलों को 10,000। इंदौर में भी इलाज की संपूर्ण व्यवस्थाएं की है, जिनको ले जाना पड़े वहाँ उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था हो जाए। हम जिन भाई बहन को बचा नहीं पाए, बस दुर्घटना में नहीं बच पाए, सभी दिवंगत आत्मा को प्रभु शांति दे, उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।